हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऐसी क्लास यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर टू एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए एंड साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसी प्रकार के और भी एमसीक्यूज अदर सब्जेक्ट के भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए, फर्स्ट स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है कि किसका सबसे ज़्यादा है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वाटर का कम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नंबर फोर, इंक्रीजिंग इन ओएच आयंस कंसंट्रेशन लीड्स टू। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, पहला ऑप्शन है हमारा एन इंक्रीजेज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा है आर डिक्रीजेज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन डजंट अल्टर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड डी डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा ए, एन इंक्रीजेज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो इसका आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से दो सही है हमारा, इसका आंसर डी आएगा, सेकंड एंड फोर्थ, डी वाला। वो क्यों, यहाँ पे बोला हायर द पीएच वीकर एसिड। जैसे जैसे हमारा पीएच की वैल्यू हाई होता जाएगा, एसिड जो है हमारा वीक होता जाएगा, और डी है लोअर द पीएच वीकर द बेस। जैसे जैसे पीएच की वैल्यू नीचे आएगा, जो हमारा बेस है वो वीक होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ सॉल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, अ सॉल्यूशन हैज टर्न कलर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो रेड कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसको ब्लू में चेंज करता है, जिसका पीएच वैल्यू 10 होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल, इसमें सारे जो है लेमन जूस टमेटोज मिल्क ये एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो इसका आंसर आएगा इंक्रीज। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन में इंक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट्स दिस रिएक्शन इज नोन एज। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम वाटर टर्न्स
milky when carbon dioxide is passed due to the formation of, तो इसका आंसर आ जाएगा CaCO3। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट डैश गैसेज, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब एसिड कार्बोनेट्स मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट डैश गैसेस, तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगा। नेक्स्ट एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट गैस, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया, तो इसका भी आंसर हमारा हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिग एसिड, तो इसका आंसर आ जाएगा डी CH3COOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सोडा एस, तो इसका आंसर आ जाएगा सी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।